हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कौन सा जी? हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि शॉर्ट में आमतौर पर एनपीओ कहते हैं। यूजुअली इस टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, बच्चों को आमतौर पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट पूरी पूरी कोशिश मेरी तरफ से कि ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल आपको नहीं लगने वाला। हालांकि कंपेरेटिवली थोड़ा लंबा ज़रूर है, इसके अंदर सब टॉपिक काफ़ी सारे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बीच बीच में आते रहेंगे, बट ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल उसे बनने नहीं देंगे, हिस्सों में ख़त्म करेंगे धीरे 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 धीरे, एंड देन लास्ट में कंपाइल करके फिनिश कर देंगे, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो खैर, चलो जी, करते हैं बातों की शुरुआत। तो देखिए जी, सबसे पहले तो एनपीओ का मीनिंग हमें समझना है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी के अंदर क्या क्या आते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एनपीओ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन बात करेंगे अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में कि अकाउंटिंग के अंदर यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है, एंड देन वन बाय वन जो कि सबसे पहली चीज़ होगी उसे हम शुरू कर देंगे। खैर, तो चलो ये सबसे पहले एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से समझ में आता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्रॉफिट कमाना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब कभी भी बनता है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है। तो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका गोल, जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाना। अब अगर नहीं है प्रॉफिट कमाना तो फिर क्या कर रहे हैं वो, के मतलब भजिया तलने के लिए बने हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन? तो कुछ ना कुछ उनका और गोल या ऑब्जेक्टिव होगा। आमतौर पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ठीक है, हम अच्छे से बिजनेस करेंगे, खूब सारा प्रॉफिट कमाएंगे, यानी कि उनका अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट मेकिंग। बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता कुछ जो भी है प्रॉफिट मेकिंग, तो उन्हें कहते हैं हम आमतौर पर एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देन अगर प्रॉफिट कमाना उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, देन उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? तो देखो, उनका ऑब्जेक्टिव वेरी करता है, ठीक है, या तो हो सकता है उनका जो ऑब्जेक्टिव हो वो कोई सोशल ऑब्जेक्टिव हो, सोशल वेलफेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला। फॉर एग्जांपल, हमारे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं, काफ़ी सारे एनजीओ हैं मार्केट के अंदर जो कि सोसाइटी सोसाइटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कुल मिला के, इन शॉर्ट, जिनका प्रॉफिट कमाना नहीं है मुद्दा, जो कि प्रॉफिट कमाने के अलावा, अगर आसान भाषा के अंदर बात करूं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, या जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक वेलफेयर के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम आमतौर पर एनपीओ की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, सकते हैं। हालांकि क्या एनपीओ का मतलब ये हुआ कि ठीक है बस यही सारे के सारे एनपीओ है, यानी कि जो सोशल वेलफेयर में लगे हुए हैं, क्या वही सारे के सारे एनपीओ हैं? नहीं जी, नहीं। जो कि हमारे काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, गोल्फ है या पिन बॉल है या किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है स्पोर्ट्स का ताम झाम सारा का सारा होता है, और वो अपने मेंबर्स लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली। अब कुछ क्लब ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, कुछ क्लब ऐसे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो बेसिकली क्या करते हैं कि ठीक है, हमारे जो मेंबर लोग हैं बस हम उन्हीं को ही सर्विसेज देंगे, और हमारा सोल मोटो ही क्या है, अपने मेंबर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना। उनका कोई मोटो नहीं है कि ठीक है हमें प्रॉफिट कमाना है, नहीं, उनका कोई मोटो नहीं है। हालांकि क्या ऐसे भी क्लब हैं जो कि अपने मेंबर को सर्विसेज देने के साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है? हाँ जी हैं, लेकिन सभी का प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव हो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं। तो डन, ठीक है, ऐसे क्लब जहाँ प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव ना हो, मेंबर्स को, यानी अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो फाउंडर मेंबर हैं जो, या बाद में बने हुए मेंबर हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी मेंबर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो लोग भी आपके एनपीओ की कैटेगरी अंदर आ सकते हैं। जैसे कुछ एक टाइप के क्लब्स हुए जो अब गोल्फ खेलने की सर्विसेज प्रोवाइड किया करते हैं, आओ गोल्फ खेल लो, चले जाओ, बीच में केयर टेकर रख लेंगे एक, जो उस गोल जो कि है उस पर्टिकुलर फील्ड की जो है देखभाल कर लेगा वगैरह वगैरह, उसे सैलरी भी दे देंगे, एक मैनेजर को भी बिठा देंगे जो कि सारा का सारा मैनेज करने का काम करेगा, और यही सारी की सारी चीज़ें। तो देखो, ये चीज़ें तो आपके एनपीओ की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मान के चलो हल्के फुल्के तौर पर हमें पढ़ना था, और ज़्यादा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा अब बात आती है यहाँ एनपीओ के अंदर मेन जो कन्फ्यूजन है, जिसको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन का रीज़न नहीं बनने देना, क्या कि एनपीओ की अकाउंटिंग जो कि है वो काफ़ी सारे हिस्सों में बटी हुई है। अब धीरे 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 मान के चलो हर एक पार्ट के अंदर एक एक हिस्सा हम लगभग लगभग खत्म करते चले जाएंगे, एंड देन लास्ट में कंपाइल करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। इसलिए ही इन द फर्स्ट फॉरमोस्ट क्लास के अंदर ही मैं ये बाइफर्गेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग चलने वाले हैं। यहाँ सिर्फ ये नहीं होगा कि ठीक है बस एक टॉपिक है, बस हो गया, हमारी बात खत्म हो गई, नहीं, ये काम नहीं होने वाला। तो कुल मिला के जो एनपीओ की अकाउंटिंग है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं। अब देखो, नाम जानते वक्त तो बहुत ज़्यादा पता नहीं लगेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर क्या होगा, हमें नहीं पता, पढ़ेंगे ना तब
धीरे धीरे पता लगेगा। तो कुल मिला के जो कि सबसे पहला हिस्सा है अकाउंटिंग का है वो है प्रिपरेशन ऑफ अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं पता, हमें नहीं पता क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो लेकिन जो पहला हिस्सा है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रिपरेशन। देन दूसरा है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देन जो तीसरा है वो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल। अब देखो किसी का भी मीनिंग नहीं पता आप लोगों को कि क्या है ये कंज्यूमेबल, क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल, ये क्या बला है कंज्यूमर, नहीं पता। धीरे धीरे सीखेंगे ना, पहले हिस्सा नंबर वन, देन हिस्सा नंबर टू, देन हिस्सा नंबर थ्री एंड देन हिस्सा नंबर फोर, ट्रीटमेंट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसको जो कि आमतौर पर बच्चों का सिर दर्द बन जाता है ट्रीटमेंट ऑफ अ सब्सक्रिप्शन, बट पूरी पूरी गारंटी की नहीं बनने दूंगा मैं सर दर्द। खैर जो पांचवा हिस्सा है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो जो पांचवा हिस्सा है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो आखिरी हिस्सा है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट, यानी वहां हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो अभी जान लेंगे हम। कुल मिला के मुद्दे की बात ये कि एनपीओ के इस चैप्टर के अंदर टोटल कुल मिला के हमें छह चीजों को पढ़ना है, सिक्स टॉपिक सब टॉपिक्स को पढ़ना है, बारी बारी से सारी सारी चीजों को खत्म करेंगे। जब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे तो ठीक है, तो उसका मीनिंग समझ लेंगे हम। मुद्दा यह है छह हिस्सों के अंदर टोटल कुल मिला के बातें खत्म होने वाली है। इसका क्या मतलब ये हुआ कि सिक्स क्लासेस के अंदर ही चैप्टर खत्म होएगा? नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ। एक टॉपिक के अंदर एक से ज्यादा क्लास ऑफकोर्स बीच बीच में लगेगी, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, व्हाटएवर। तो खैर सबसे पहले जी आपका जो कि सबसे पहला हिस्सा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये क्या होता है, देखो हर एक जो एनपीओ है वो अपनी एक, हमने क्लास 11th के अंदर टॉपिक पढ़ा था कैश बुक। कैश बुक क्या होती है जी, कैश बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कैश बुक एक ऐसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है जो कि कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। हमने जाना था क्लास 11th के अंदर, अगर किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं पढ़ाया, पढ़ के भूल गया, तो ठीक है फिर से याद कर लो। क्लास 11 में, 11वीं क्लास में बचपन में अकाउंटिंग की पढ़ा था हम लोगों ने कि कैश बुक नाम की एक चीज़ होती है जो कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करती है। डेबिट साइड में सभी इनफ्लोज यानी पैसे का आना रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड में सभी के सभी पैसे का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। अब देखो किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ के पैसा आ रहा है या जा रहा है ये तो उम्मीद करूंगा आप लोग समझते होंगे कैसे इंटरप्रिटेट करना है। अब अगर कहीं लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड तो ठीक है ना, पैसा आ ही रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कैश बुक में। और अगर कहीं लिखा हुआ है रेंट पेड तो ठीक है, पेमेंट हो रही है तो पैसा जा ही रहा है, तो ठीक है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कैश बुक में। अब मैं कैश बुक क्यों बोल रहा हूँ, क्या कैश बुक हमें यहाँ पर बनानी सीखनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे कैश बुक तो सीख ली ना पिछले साल, ठीक है, बट अब देखो जो कैश बुक है उसका पर्पज़ क्या है, मेन मुद्दे की बात। पर्पज़ कैश बुक का जो कि पर्पज़ है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। कैश बुक का जो पर्पज़ है वो क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन। किस तरह की रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करना उसका पर्पज़ है। बट कैश बुक के अंदर तो मान के चलो अगर सपोज करो कोई ट्रांजेक्शन 10 बार हुई है तो वो 10 बार रिकॉर्ड की जाएगी, अगर कोई ट्रांजेक्शन 150 बार हुई है तो वो 150 बार रिकॉर्ड की जाएगी, सपोज करो कोई ट्रांजैक्शन 1000 बार हुई है तो वो 1000 बार रिकॉर्ड की जाएगी। अब ये इतना सारा पैसा आना जाना, इसकी कहीं समरी भी तो बनानी चाहिए। और मान के चलो एक एनपीओ के अंदर तो मान के चलो काफी सारी डोनेशन भी मिलती रहती है, ठीक है, इधर उधर छोटे छोटे खर्चे भी होते रहते हैं, डोनेशन मिलती रहती है, खर्चे होते रहते हैं। एनपीओ के अंदर तो डोनेशन मिलती होगी ना, तो डोनेशन मिलती है, खर्चे होते हैं, छोटे छोटे चिल्लर मिल्लर खर्चे होते हैं, चिल्लर मिल्लर डोनेशन भी रिसीव होती हैं, तो कुल मिला के काफी सारे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, तो उनकी एक अलग से समरी बना लेते हैं। तो एनपीओ के कैटेगरी के अंदर जो सबसे पहला हिस्सा हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम लिया था, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है आपकी समरी ऑफ अ कैश बुक। समरी ऑफ अ कैश बुक यानी कि कैश बुक की एक तरह की समरी है जो आपके एक बार फिर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को ही रिकॉर्ड करेगी, बट समराइज्ड वे में रिकॉर्ड करेगी। यानी ये ऐसा नहीं करेगी कि ठीक है कोई ट्रांजैक्शन अगर 150 बार हुई है तो वो 150 बार रिकॉर्ड करेगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सपोज करो रेंट की ट्रांजैक्शन 10,000 पर मंथ साल में गया, 12 बार रेंट यानी साल में गया टोटल 120,000 का रेंट की पेमेंट हो गई। तो देखो कैश बुक जो कि एक बनाया जाता है डॉक्यूमेंट वो उसका पर्पस है रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक के अंदर वो ट्रांजैक्शन 12 बार रिकॉर्ड की जाएगी, 12 बार रेंट पे करोगे, 12 बार जो कि है ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। बट ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें 12 बार नहीं आएगा, इसमें क्या है, इसमें आएगी समरी, यानी कि ओवरऑल आपने पूरे साल में कितना रेंट पे किया, तो 120,000 पे किया, तो डन, ठीक है। आपको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में रेंट लिखना है वो पूरा पूरा 120,000 लिख देना है, बस आपकी बात खत्म हो जाएगी। यानी कंसेप्चुअल बात ये है कि कैश बुक जो भी है वो रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजैक्शंस की, और ये क्या करता है, ये करता है प्रेजेंटेशन। किस चीज की प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ अ समरी ऑफ अ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो ये है बेसिकली कंसेप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि है,
इस दुनिया के अंदर एक चीज़ होती है, एक चीज़ होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये किस बेसिस पे बनता है? तो देखो ये बनता है कैश बेसिस पर। कैश बेसिस पर मतलब अब जब ये समरी ही रिकॉर्ड करता है कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो की, तो ये बनेगा कैश बेसिस पर। यानी जब जब कोई भी पैसा आ रहा है तो ये अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेगा, जब जब कोई भी अगर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेगा। कोई मायने नहीं रखती बात की वो चीज़ किस साल से रिलेटेड है। देखो ये बनता है कैश बेसिस पर। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड करो, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड करो। किस वजह से आ रहा है कोई मायने नहीं रखता, किस वजह से जा रहा है कोई मायने नहीं रखता। ये वजह के क्या मतलब हुआ भाई, अगर सपोज करो आपने सपोज पेमेंट की तो रेंट पेड अगर आपने किया तो ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका बेनिफिट कम टाइम तक मिलेगा। और अगर सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि हमने कोई मशीन खरीदी या सपोज करो कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे या बिल्डिंग कोई खरीदी है, तो वो तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक एसेट्स वाला खर्चा है। बट मुद्दा ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इस बात से कोई मतलब नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर पैसा जा रहा है कोई मायने नहीं रखता, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई मायने नहीं रखता वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। भैया आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, बस बात खत्म हो गई। यानी आपको तो बस हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़कर सिर्फ और सिर्फ इतना इंटरप्रिटेट करना है कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर सपोज करो आ रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। बस इतना ही। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन करना देखो बहुत ज़्यादा आसान काम है, हद से ज़्यादा आसान काम है। क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा ही आसान है, क्या कि ज़्यादा मत सोचो, लिख के रख लो कॉपी के अंदर। बोल रहा हूँ क्या कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन करना बड़ा आसान है, बस एक ही तरीका है, क्या ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, लिमिटेड सोचो। क्या सोचो कि बस पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट, बात खत्म। लिमिटेड सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ये है थंब रूल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन करने का। तो खैर तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर जा रहा है तो आपके क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। और चूंकि ये कैश बुक की समरी है, तो देखो जैसे कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस हुआ करता था, तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर भी ओपनिंग बैलेंस होगा। कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया करता था बैलेंसिंग फिगर के तौर पर, तो ठीक है वो आपका यहाँ पर भी दिखाया जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट आपके जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा तो उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस होगा, किस चीज़ का होगा, कैश का होगा, बैंक का होगा, तो वो आपके डेबिट साइड में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा टू बैलेंस बीडी के तौर पर, जैसे कि कैश बुक में हम दिखाते थे। और ऐसे ही यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपकी बैलेंसिंग फिगर के तौर पर क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा बाय बैलेंस सीडी के तौर पर, बस बात खत्म हो गई। तो ये है फॉर्मेट आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब एक आधे कोई थोड़े बहुत कोई क्वेश्चन की डिस्कशन कर लेते हैं, और इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, तो खैर अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। तो देखो जो क्वेश्चन मैंने भेजे हुए थे वही परंपरानुसार TS ग्रेवाल बुक से हैं, बाकी मैंने सेंड किए हुए हैं आप लोगों को। अगर एडिशन ऊपर नीचे होगा तो वो आपको मिल जाएंगे। एक आधा अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिल पाता आपको अपनी बुक के अंदर ओल्ड एडिशन की वजह से, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने भेजे हुए हैं उस PDF फाइल को आप रेफ़र कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। खैर तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद में खुद ही आपका मन करेगा कि अरे बस बस काफ़ी मुश्किल है क्वेश्चन, हम खुद कर लेंगे। यानी I mean to say काफ़ी आसान है क्वेश्चन, बट ये आराम से आप लोग कर लोगे। ऑल दो फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ ऊपर ऊपर से डिक्टेट जरूर कर दूंगा बाकी क्वेश्चंस को, लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा किसी भी क्वेश्चन को मुझे करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जो कंसेप्ट हमने बनाया था वो बड़ा आसान, जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में दिखाएंगे, जो पैसा आएगा वो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, और फाइनली आपकी बैलेंसिंग निकल के आ जाएगी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी के तौर पर। तो खैर क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो ठीक है आप उसे टू बैलेंस बीडी के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। टू बैलेंस बीडी 4390 आपको दिया हुआ है, तो ठीक है 4390 हमने दिखा दिया। उसके बाद में हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर बस हमें इतना देखना है कि जो कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। कोई कोई जो शब्द होंगे टर्म होंगी वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी नई हो सकती है, तो वो उसके बारे में मैं धीरे धीरे साथ के साथ बताता रहूँगा। जैसे कि जो अगली टर्म है वो है सब्सक्रिप्शन 37,600। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो NPO हैं उसके जो फाउंडर लोग हैं, जो मेंबर हैं, जो मालिक हैं, वो पीरियोडिक एक अमाउंट पे करते हैं NPO के अंदर, जिससे कि NPO कैरी ऑन रह सके। अब NPO को तो ठीक है ना, कमाई का जरिया क्या है भाई, थोड़ी बहुत डोनेशन मिल जाएगी, हैं कोई सामान वगैरह तो बेचना नहीं है, थोड़ा बहुत सेल हो सकता है, बट हाँ कुछ खास तो नहीं। तो जो कमाई होगी, जो NPO का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या क्या है, एक तो डोनेशन है, बट डोनेशन हर बार तो नहीं आएगी। तो जो NPO के मेंबर लोग होते हैं वो पीरियोडिक एक स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट होती है वो NPO के अंदर सबमिट
करते रहते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं, तो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन लिख सकते हो आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से बॉक्स बना के, क्या सब्सक्रिप्शन इज़ अ वेरी मेन इंपॉर्टेंट इनकम ऑफ एनी एनपीओ। तो सब्सक्रिप्शन क्या है जी, हमारी इनकम है। अब अगर इनकम है तो किस साइड आएगी, ऑफकोर्स डेबिट साइड आएगी, तो बस डेबिट साइड में हम सब्सक्रिप्शन नाम से दिखा देंगे। देखो बस हर एक ट्रांजेक्शन को पढ़ के हमें सिर्फ इतना ही इंटरप्रिटेट करना है कितना कि बस पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो 37,600 हमने यहाँ पर दिखा दिया। इसके अलावा डोनेशन, अब डोनेशन भी, अब देखो लिखा तो नहीं डोनेशन रिसीव्ड या डोनेशन पेड, लेकिन अब एनपीओ है तो हम यही मान के चलेंगे कि डोनेशन रिसीव हुई होगी, तो डन ठीक है, हम उसे अपनी इनकम ही मान के चलेंगे। तो डोनेशन हमारी 8,000 रुपये की इनकम हमने ट्रीट की। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी का मतलब होता है कि अगर किसी नए मेंबर को, नए पर्सन को मेंबर बनना है, तो उसे एंटर के लिए, एंटर होने के लिए एंट्रेंस फी पे करनी पड़ेगी। तो ये भी एनपीओ की एक इनकम होती है, कमाई का जरिया होता है कि किसी पर्सन को अगर मेंबर बनना है तो ठीक है जी आपको एंट्रेंस फी पे करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए ये शब्द नए होंगे आप लोगों के लिए, लेकिन टाइम के साथ में बड़े ही ऑब्वियस हो जाएंगे कि एंट्रेंस फी क्या होती है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है वगैरह वगैरह, कि अगर किसी पर्सन को मेंबर बनना है तो आपको एंट्रेंस फी देनी पड़ेगी। खैर, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्लब हॉल, तो इसके तो नाम में ही रिसीव्ड आ रहा है, तो टू रेंट रिसीव्ड, चाहे तो पूरा नाम लिख सकते हैं, चाहे रेंट रिसीव्ड लिखना ही अपने आप में काफ़ी होगा। 5,250 हमने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। जो जो पैसा आएगा डेबिट में दिखाएंगे, अगर कोई पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट में दिखाएंगे। आगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये तो चार्जेस हैं, चार्जेस तो खर्चा होता है यानी पैसे का जाना, तो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440 ये तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों आया जी क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये तो चार्जेस है, हमारा खर्चा है, खर्चे जो भी होंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे, वो तो आपके क्रेडिट साइड में ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। खैर, जो अगली टर्मिनोलॉजी है टैक्सेस पेड 490, तो ठीक है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक्सपेंस है, तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। बाय टैक्सेस 490, जो एक्सपेंसेस होंगे क्रेडिट साइड में आएंगे, जो कमाई होगी वो डेबिट साइड में आएगी। इसके अलावा सैलरीज, अब सैलरीज तो ठीक है हम बचपन से पढ़ते हैं यानी क्लास 11 से पढ़ते हैं कि सैलरी जब कहीं भी मेंशन नहीं है तो हम उसे एक्सपेंस ही मान के चलेंगे। अब एनपीओ में कोई ना कोई एम्प्लॉय वगैरह थोड़े बहुत तो होंगे सही, तो उनको सैलरी की पेमेंट की गई है। कितने की है सैलरी आपकी, 21,500। इसके अलावा ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, बेसिकली ऑनोरेरियम क्या होता है, देखो इसको भी आप अच्छे से अपने कॉपी के अंदर लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को अगर कोई पेमेंट की जाती है, किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को अगर कोई पेमेंट की जाती है, तो उस पेमेंट को आमतौर पर ऑनोरेरियम बोल देते हैं। जैसे डॉक्टर को बुलाया पेमेंट कर दी, ऑनोरेरियम कहेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया पेमेंट कर दी, ऑनोरेरियम कहेंगे। किसी एडवोकेट से कंसल्टेंसी ली तो और उसे पेमेंट कर दी, तो उसे ऑनोरेरियम कहेंगे। यहाँ पर जो एनपीओ है वो सेक्रेटरी से वो सर्विसेज ले रहा है एनपीओ को मैनेज करने के लिए, तो सेक्रेटरी को प्रोफेशनल पेमेंट की जा रही है, तो उस प्रोफेशनल पेमेंट को अब है तो खर्चा ही, तो ठीक है हमारा क्रेडिट साइड में ही आएगा। किस नाम से आएगा, ऑनोरेरियम। कृपा कर देना इसे कोई भी ऑनोरेरियम ना पढ़े, ठीक है जी, इसमें एच साइलेंट है तो ऑनोरेरियम इसकी प्रोनाउंसिएशन बनेगी, तो कृपा करके कोई भी गलत ना पढ़े। ऑल्दो आप लोग मेरे सामने तो नहीं हो, बड़ा मन है सामने देखने का, बट क्या कर सकते हैं, सामने देख नहीं सकते, तो फिलहाल के लिए ठीक है समझ जाओ मेरे दिल की बात। इसे कुल मिला के कोई भी होनोरेरियम ना पढ़े, ऑनोरेरियम है ये। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो कमाई है, इसके तो नाम में ही रिसीव्ड शब्द लिखा है, तो ठीक है डेबिट साइड में हम टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, चाहे आप थ्रू इंटरेस्ट ही लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो, सिर्फ पूरा लिखने की आपको नीड नहीं है, हमने डेबिट साइड में लिख दिया। इसके अलावा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा ही है हमारा, तो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है जी। अब ये तो नहीं मानूंगा कि हमारा एनपीओ प्रिंटिंग का काम करता है और ये तो हमारी कमाई होगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है कितना, 350, तो ये 350 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके अलावा पैटी एक्सपेंसेस, इसमें तो नाम में ही एक्सपेंस आ रहा है, तो ठीक है बाय पैटी एक्सपेंसेस 900 एंड सबसे आखिरी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310, तो बाय इंश्योरेंस 310। खैर डन, सारे के सारे आइटम हम लोगों ने डाल दिए हैं, बस अब तो क्या करना है, जैसे कि आमतौर पर हम किसी भी अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग करते हैं, तो ऐसे ही हम सिंपली बैलेंसिंग करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे और दोनों में से जो बड़ी साइड होगी उसे दोनों साइड रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस साइड का अगर टोटल करेंगे, अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आमतौर पर ये डेबिट साइड ही बड़ी होती है, ये डेबिट साइड का टोटल आएगा आपका 62490,
62490। इस 62490 में से ये जो क्रेडिट साइड का सारा टोटल है ये आप माइनस कर दोगे सिंपली, ठीक है जी। ये आप करके देख लोगे कि ये जो सारी की सारी फिगर है ये आपकी कितनी आएंगी। डेबिट साइड का टोटल बड़ा है 62490, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें से आप इसे माइनस करके बाकी की फिगर लिख दोगे कितनी, बाय बैलेंस सीडी जो माइनस करके आएगा, वो कैलकुलेशन आप खुद करके देख लोगे, ठीक है जी। बाकी आंसर आएगा आपका 33000 और अकॉर्डिंगली इधर भी जो टोटल होगा वो तो बड़ा वाला ही यानी कि 62490 ही रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। खैर उम्मीद करूंगा बैलेंसिंग के प्रोसेस में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है अगर फिर भी दिक्कत तो क्लास 11th की बैलेंसिंग प्रोसेस पे जरा गौर करिए, पहले उसे सीखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खैर इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 की बात खत्म हो गई, ठीक है जी। क्वेश्चन में बस इतना ही आइडेंटिफाई करना है, ओपनिंग बैलेंस रिसीट्स को डेबिट साइड में दिखाना है, पेमेंट को क्रेडिट साइड में दिखाना है, किस तरह की रिसीट है किस तरह की पेमेंट है कोई मायने नहीं रखता, आपको तो दिखाना है, और बस देन बैलेंसिंग कर देनी है, बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हद से ज़्यादा आसान। क्वेश्चन के अंदर बंगाल क्रिकेट लिमिटेड वो इनोग्रेट हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, और उसमें रिसिप्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में तो रिसिप्ट अलग करके ही दी हुई है, रिसिप्ट दी हुई है, एंट्रेंस फी दी हुई है, सब्सक्रिप्शन दी है, डोनेशन दी है, तो तीनों की तीनों रिसीट्स को आप यहाँ पर दिखा दोगे। इसके अलावा जो पेमेंट दिए हैं वो भी अलग करके दिए हैं, रेंट दिया है, पोस्टेज दिया है, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह वगैरह इन्वेस्टमेंट करके दिया है, इन्वेस्टमेंट भी खर्चा ही है हमारा, ठीक है जी, मायने नहीं रखता वो, वैसे वो हमारा एसेट है बट हुआ तो खर्चा ही है ना, तो वो भी कुल मिला के आपका यहाँ पर पेमेंट साइड में आएगा। तो कुल मिला के जितनी भी रिसीट्स हैं वो डेबिट साइड में, जितनी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में। अब क्योंकि ये जो बंगाल क्रिकेट लिमिटेड है ये अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है, अभी अभी शुरू हुआ है, तो इसका ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा, तो टू बैलेंस बीडी आप नहीं लिखोगे, या अगर लिखोगे तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दोगे क्योंकि ये तो अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है, तो कोई इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं। हाँ बाकी की जो रिसीट्स होंगी उसमें से पेमेंट माइनस करके आपको बैलेंस सीडी जरूर निकालना है, जरूर जरूर जरूर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड करोगे आप। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, आपको जितनी भी रिसीट्स दी हुई हैं सारी की सारी रिसीट्स प्यार से परोस के दी हुई हैं, बाकी अगर किसी रिसीट के मीनिंग में या किसी पेमेंट के मीनिंग में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जरूर स्पेसिफिकली डाउट पूछ सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है जी। तो आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे, बाकी जो भी रिसीट्स हैं और जो भी पेमेंट है वो अकॉर्डिंगली आपको इस अकाउंट के अंदर प्लेस करनी है, बैलेंसिंग करनी है, आंसर निकाल देना है, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी यही वाली बातें हैं, हालांकि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है वो थोड़ा अलग तरह से दिया हुआ है, क्या कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश इन हैंड भी है और कैश एट बैंक भी है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखोगे, देन उसे अंडरलाइन करोगे, देन कैश इन हैंड कैश एट बैंक एंड दोनों का टोटल जो कि है आउटर कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी कि इनर कॉलम में कैश इन हैंड कैश एट बैंक एंड देन दोनों का टोटल जो कि है आउटर कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट कर दोगे। देन जितनी भी रिसीट्स हैं, अभी इस बार रिसीट्स भी किस तरह से दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, अब 2017-18 हो सकता है ना पुराने सालों का कुछ पेंडिंग हो तो वो करंट ईयर में रिसीव कर रहे हैं, 2018-19 हमारा करंट ईयर और 2019-20 एक्स्ट्रा एडवांस का रिसीव कर रहे हैं। मुद्दा ये है हमने सीखा था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त एक्स्ट्रा नहीं सोचना, किस साल का सब्सक्रिप्शन है कोई मायने नहीं रखता, आप तो टोटल कर लो भैया 4000, 1,40,000 और 8000, तो टोटल हो गया आपका 1,52,000, तो डन ठीक है। आप डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन सीधा 1,52,000 जो टोटल फिगर होगी आप उससे रिप्रेजेंट करोगे, बस बात खत्म, आपको किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको अपना एक्सपेंस वाली साइड दिखाओ, जो भी इनकम होंगी उन्हें आप अपनी इनकम वाली साइड दिखाओ, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से बना लोगे आप। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ट्राई करोगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझसे पूछ लोगे। तो इसी के साथ में आज की इस पहली कक्षा के अंदर हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चन कैसे करते हैं जो निहायत ही आसान है, ठीक है जी, आप ट्राई करके देखोगे, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो जरूर पूछिएगा। बाकी अगली क्लास के अंदर हम इसी ही चैप्टर का दूसरा हिस्सा फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखेंगे, तो खैर फिलहाल के लिए मेरी बात खत्म हुई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछिएगा जरूर। तो खैर डन, ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, परिवार वालों का ध्यान रखो, सभी का ध्यान रखो जिनका आप चाहते हो, तो ओके डन, टाटा बाय।